हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं बीएससी एस सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करने वाला हूं जिसका एग्जाम भोज यूनिवर्सिटी ने लिया है सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स एंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज तो अगर आप भी अपने आंसर्स को मिलाना चाहते हैं टैली करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा माय नेम इज़ डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट पिछले पंद्रह सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट देने वाला हूं तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं जैसा मैंने आपसे अभी बोला कि इस वीडियो में मैं पेपर सॉल्व करूंगा बीएससी एस सेकेंड ईयर का जिसमें कि टाइम दिया गया है थ्री आवर्स और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो है फिफ्टी जिसमें से पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए सेवनटीन तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर यहां पर मैं जो ग्रामेटिकल पोर्सन है मैं उसको कवर करूंगा हुट वुड बी लिव यहां पर लाइफ होना चाहिए वट वुड बी लाइफ विदाउट ट्रीज तो यहां जो करेक्ट आंसर है द पीपल द स्कॉर्पियन इज रेफर्ड टू एज द ईवल वन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ हामिद हामिद की ग्रैंड मदर दादी का नाम क्या था ईश्वर इन विच टाउन डिड लिव इसका करेक्ट आंसर है ब्लादिमिर डू एज डायरेक्टेड जैसा कहा गया है आपको वैसा करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लैक्सिव प्रोनाउम्स तो जो ब्लैंक्स है यहां पर जिनको मैंने येलो कलर से भरा हुआ है फिल किया है और जो अंडरलाइन है तो यहां पर आपको रिफ्लैक्सिव प्रोनाउम से इसको फिल करना है तो आई हार्म सेल्फ हैप बी टू डू इट ऑल बाय अवर सेल्फ नेक्स्ट जो है सी हर्ट तो हर सेल्फ आएगा क्योंकि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है Herself, मतलब हम सेल्फ या फिर जोड़ते हैं प्रोनाउन के साथ में तो यहां पर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ और सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हर सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द बर्ब्स इन द ब्रैकेट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म इसमें आपको फिलिंदा ब्लैंक्स करना है जो बर्ब्स दिए हैं ब्रैकेट में इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भरना है इन बर्ब्स का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है तो ही हैज बीन लिविंग यहां पर आ जाएगा हैज बीन लिविंग नेक्स्ट है सी हैजीन वॉचिंग यहां पर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग और मी यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हैब आ जाएगा और फिर यू और फिर बीन बेटिंग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है टाइगर इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल यहाँ पर ए आएगा द ट्रेन विल अराइव इन एन आवर आवर के पहले एन आता है दिस इज द बुक यहाँ पर किताब की बात की गई है कौन सी किताब वही दिस इज द बुक ये वही किताब है आई वॉज सर्चिंग जिसे मैं ढूंढ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोपोजीशन सुटेबल प्रोपोजिशन भरना है लिसन टू द लेक्चर केयरफुल यहां पर टू आएगा गांधी जी वॉजबोर्न ऑन सेकेंड अक्टूबर जब भी किसी डेट के पहले प्रपोजिशन आता है तो वह पर ऑन का प्रयोग किया जाता है फाइंड आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन देंटेंस कोई एक करना था तो मैंने दोनों यहां किएक इज मेड पेपर तो काउंटेबल नाउन बुक और पेपर नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही बॉट द कार फॉर इट्स ब्यूटी तो काउंटेबल नाउन जो है वो है कार और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो है ब्यूटी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, beauty. Next, जो question है, वो है ट्रांसलेट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश तो कोई छह सेंटेंसेस जो हिंदी के सेंटेंसेज हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इनमें से मैंने सभी को ट्रांसलेट यहां पर किया है आप इतने दिनों से कहा थे वेयर हैव यू बीन फॉर ऑल दीज डेज अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है ये पैसे वाइज है हिंदी में तो इंग्लिश में भी पैसे में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे मानसून के मौसम के रूप में भी जाना जाता है इट इज ऑल्सो पैसे जो हिंदी सेंटेंस है वो पैसे में है तो इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून सीजन नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्या आप भगवान में विश्वास करते हो डू यू बिलीव इन गॉड मुझे बताया गया ये जो सेंटेंस है मुझे बताया गया ये पास्ट का पैसिव है कि दो और दो चार होते हैं तो आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया that two and two are four. कल आपने किसकी मदद की? To whom did you help yesterday? Next जो सेंटेंस है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अनेक बाघ एवं अनेक तेंदुए हैं देयर आर मैनी टाइगर्स ये वाक्य देयर से बनेगा तो देयर आर मेनी टाइगर्स एंड मैनी लियोपार्ड्स इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क नई आर्थिक नीति सन 1991 में अपनाई गई ये पैसे वाइस है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज एडोप्टेड अपनाना के लिए एडोप्टेड इन 1991 हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी सजग रहना चाहिए वी शुड बी अवेयर ऑफ अवर राइट्स एज वेल एज अवर ड्यूटीज़ तो इस प्रकार से आपने देखा यह ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने इस वीडियो में कवर किया है लेट मी नो इफ यू नीड माई हेल्प अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ग्रामर को इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना है तो आप मेरे साथ वन टू वन कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं 15 मिनट का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और यही मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट भी है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन और अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then take care bye thanks for watching please do subscribe and hit bell icon button and select all notifications options so that you may get all notifications and all updates from this youtube channel please do watch my other videos also see you in the next video